अस्सलाम वालेकुम, आई एम सलीम मुराद, योर मैथ टीचर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 4 की रिव्यू एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। बेटा, रिव्यू एक्सरसाइज 4 में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, पेज नंबर 57 है बेटा इसका। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय एक्सपोनेंट ऑफ ए नंबर। जैसा कि चैप्टर नंबर 4 के स्टार्ट में मैंने आप लोगों को बताया बेटा कि कोफिशिएंट क्या होता है, बेस क्या होता है और एक्सपोनेंट क्या होता है, कांस्टेंट क्या होते हैं और वेरिएबल्स क्या होते हैं बेटा। तो यहाँ पर उसने आपसे क्वेश्चन किया बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 में, व्हाट इज मेंट बाय द एक्सपोनेंट ऑफ ए नंबर। द एक्सपोनेंट ऑफ ए नंबर टेल अस हाउ मेनी टाइम्स ऑफ ए नंबर इज मल्टीप्लाई विद इट्स सेल्फ। फॉर एग्जाम्पल, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ये है आपके पास 5 की पावर 3। तो इसमें आपके पास एक्सपोनेंट है 5, सॉरी एक्सपोनेंट है 3, बेस क्या है बेटा आपके पास 5 है। तो इसका मतलब है 5 ने कितनी बार मल्टीप्लाई होना है, 3 बार मल्टीप्लाई होना है। क्या होना बेटा? तो एक्सपोनेंट आपको ये बता रहा होता है कि किसी नंबर ने कितनी बार मल्टीप्लाई होना है। इसी तरह बेटा सेकेंड क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज़ द प्रोडक्ट लॉ विद द सेम बेस। मतलब हमने एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करने से पहले टू लॉज को डिस्कस किया बेटा। फर्स्ट लॉ क्या था कि अगर बेसिस सेम हो और एक्सपोनेंट डिफरेंट हो तो आप बेस को एक बार लिखेंगे और एक्सपोनेंट्स को ऐड कर देंगे, एक्सपोनेंट को ऐड कर देंगे। तो ये आपका कौन सा लॉ बेटा? प्रोडक्ट लॉ विद द सेम बेस। जब बेस सेम होंगे और एक्सपोनेंट क्या होंगे बेटा? डिफरेंट होंगे। इसी तरह बेटा क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन पावर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। पावर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या है? द बेस रिमेन्स द सेम विद अ न्यू एक्सपोनेंट इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सपोनेंट। इसमें बेटा आप देख रहे हैं बेटा कि क्या कहा उसने कि बेस एक जैसे रहेंगे, बेस इसमें भी वही ए है और इसमें भी वही है विद न्यू एक्सपोनेंट, लेकिन एक्सपोनेंट इसका क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। यहाँ पर एक्सपोनेंट क्या था? ए की पावर एम इक्वल टू, तो ये किसके इक्वल होगा? प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स, ए इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाई बाय एन। तो दोबारा से देखें, क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कहा व्हाट इज प्रोडक्ट लॉ विद द सेम बेस। अच्छा, इसमें प्रोडक्ट लॉ सेम बेस के साथ क्या? द बेस रिमेन सेम, बेस एक जैसा रहेगा विद न्यू एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट इसका क्या होगा? न्यू होगा, जो कि इक्वल होगा टू द प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सपोनेंट। ये एक एक्सपोनेंट ये है बेटा और दूसरा एक्सपोनेंट आपके पास ये है, इनके प्रोडक्ट के इक्वल होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 में उसने पूछा व्हाट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर। अच्छा, हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया बेटा रैशनल नंबर क्या है। दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू, वो नंबर जिनको हम P ओवर Q की फॉर्म में लिख सकें। P और Q दोनों पर कंडीशन क्या है बेटा? बिलोंग टू Z, सेट ऑफ इंटीजर्स, एंड Q इज़ नॉट डिनोमिनेटर में जो नंबर होगा वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ऐसे नंबर्स जो इन तमाम कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे रैशनल नंबर्स कहलाएंगे। अब ये आपके पास एक रैशनल नंबर है, आपने इसका रेसिप्रोकल निकालना है, तो क्या करेंगे? डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना देंगे, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर, मतलब पी क्यू ओवर पी का जो रेसिप्रोकल होगा वो क्या होगा? क्यू ओवर पी। पी ओवर क्यू का जो रेसिप्रोकल होगा वो क्या होगा? क्यू ओवर पी। ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है बेटा। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन दी ब्लैंक्स। अब आपके पास क्या लिखा हुआ है? 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ये तमाम के बेसिस सेम हैं, इनके अंडरस्टूड है कि एक्सपोनेंट क्या होंगे? 1 होंगे। और हमें पता है कि बेटा जब बेस सेम हो तो पावर्स क्या होंगी बेटा? ऐड होंगी, 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1, 5 की पावर 4। अच्छा बेटा, ये आंसर इसका ये होगा। अच्छा, यहाँ पर आपके पास क्या है बेटा? बेसिस डिफरेंट हैं, बेसिस क्या हैं? डिफरेंट, और एक्सपोनेंट क्या है बेटा? सेम है। तो बेसिस को आपस में मल्टीप्लाई कर दें और एक्सपोनेंट को एक बार लिख दें। इसी तरह ये आपने ला बेटा 4.3 के शुरू में डिस्कस किया कि जब बेसिस डिफरेंट हो, बेसिस क्या हो? डिफरेंट हो, एक्सपोनेंट क्या हो? सेम हो, लेकिन दरमियान में क्या हो? कोशेंट हो या डिवीजन हो, तो तब आप क्या करेंगे बेटा?
इन दोनों का रेसिप्रोकल ए ओवर बी फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे और पावर को क्या लिखेंगे बेटा, एक बार। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 में उसने कहा जीरो, मतलब किसी भी बेस की पावर अगर जीरो है, अगर किसी भी बेस की पावर जीरो है तो वो किसके इक्वल होगी बेटा, वन के इक्वल होगी। एनी नॉन जीरो रैशनल नंबर, रैशनल नंबर पर कंडीशन क्या है, नॉन जीरो हो, जीरो के अलावा, अगर जीरो और जीरो वाली फॉर्म होगी बेटा, ये आप लोग हायर क्लासेस में डिस्कस करेंगे, ये क्या है, अनडिफाइंड फॉर्म है या अनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, तो ये बड़ी क्लासेस में आप लोग जाके डिस्कस करेंगे कि जब जीरो की पावर अगर जीरो हो तो फिर उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। इसलिए उसने कंडीशन लगाई कि नॉन जीरो रैशनल नंबर, नॉन जीरो रैशनल नंबर की पावर अगर जीरो है तो वो वन के इक्वल होगी। ठीक हो गया। इसी तरह बड़ा इसका है आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 5, नेगेटिव बेस है और पावर एन है इसके ऊपर, लेकिन उसने कहा कि अगर एन इवन है, मतलब 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है, 12 है, 14 है, मतलब वो नंबर जो 2 पर डिविजिबल हैं, अगर बेस के ऊपर पावर इवन है तो आंसर इसका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर बेस नेगेटिव है और पावर अगर क्या है, ऑड नंबर है, तो इसका मतलब है कि माइनस, नेगेटिव साइन साथ रहेगा, माइनस ख़त्म नहीं होगा। अच्छा, एनी नॉन जीरो रैशनल नंबर विद जीरो एक्सपोनेंट इक्वल टू वन, और अगर बेस नेगेटिव है और एन पॉजिटिव है, अगर बेस नेगेटिव है और पावर एन है उसके ऊपर, ये उस वक्त पॉजिटिव इसका आंसर होगा जब इवन क्या होगा, एन क्या होगा बेटा, इवन होगा। इसी तरह नंबर 6 में ए की पावर एन, ए की पावर एन, इसको हम कैसे रीड करेंगे, इज रीड एज, तो हम इसको ऐसे रीड करेंगे, ए एनथ पावर ऑफ ए, मतलब ए की एनथ पावर, मतलब एन बार ए को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद बेटा टिक द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड पावर ऑफ 5, 5 की थर्ड पावर, 5 की पावर 3 मीन। इसी तरह बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में 3 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 0 डिवाइडेड बाय 7 की पावर 0, 2, 3 और 7 तमाम नंबर्स क्या हैं बेटा, नॉन जीरो रैशनल नंबर्स हैं, इन तमाम की पावर क्या है बेटा, 0 है। 3 की पावर 0 1 के इक्वल, 2 की पावर 0 1 के इक्वल, 2 हो गया डिवाइडेड बाय 1, जब 2 को 1 पे डिवाइड करेंगे आंसर किसके इक्वल होगा बेटा, 2 के इक्वल होगा। नाउ एमसीक्यू नंबर 3, द रेसिप्रोकल ऑफ दिस, अब इसके ऊपर पावर थी नेगेटिव, इसके ऊपर पावर थी नेगेटिव, तो मैंने इसको क्या कहा कि पी ओवर क्यू की पावर माइनस एम, अगर यहाँ पे मैं माइनस एम लिखूँ तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, माइनस ख़त्म कर दूंगा, पी ओवर क्यू की जगह क्यू ओवर पी लिखूंगा, पी ओवर क्यू की जगह क्यू ओवर पी, तो ये इसका रेसिप्रोकल होगा। इसके बाद बेटा इसमें हमने क्या कहा कि ए बेस नेगेटिव है, पावर क्या है, एन है, ये इसका आंसर पॉजिटिव कब होगा कि जब एन आपके पास इवन है, क्या होगा, इवन नंबर होगा, बेस नेगेटिव है और पावर एन है, इसका आंसर नेगेटिव कब होगा, इसका आंसर नेगेटिव उस वक्त होगा कि जब पावर आपकी क्या होगी, ऑड होगी, पावर क्या होगी, ऑड नंबर, माइनस ए की पावर एन इज नेगेटिव इफ एन इज प्राइम इवन कंपाउंड ऑड, ऑड होगा बेटा। अच्छा बेटा इसके बाद है हमें पता है कि एक्सरसाइज 4.4 से पहले 2 लास्ट को हम लोगों ने डिस्कस किया कि अगर सेम बेसिस हो, डिफरेंट बेसिस सेम हो, बेसिस क्या हो, सेम हो, और पावर्स क्या हो, एक्सपोनेंट क्या हो, नेगेटिव डिफरेंट हो, और दरमियान में कोशेंट है या डिवीजन है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं बेटा, उसको माइनस कर देते हैं। अच्छा बेटा लास्ट क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में उसने क्या कहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, अब माइनस 5 की पावर 4 है, बेस नेगेटिव है और पावर इवन है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका आंसर क्या होगा बेटा, पॉजिटिव होगा। माइनस 5 की पावर 4 है, माइनस 5 की पावर 4 जो है, इनको 4 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करेंगे,
माइनस माइनस पॉजिटिव माइनस माइनस पॉजिटिव, ओवरऑल इसका आंसर क्या आएगा बेटा 625 पॉजिटिव होगा। अगर बेस नेगेटिव होता और पावर क्या होती ऑड होती तो आंसर क्या आना था नेगेटिव आता। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 आपको समझ आए होंगे। अगर कोई बात समझ ना आई हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो।